हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। आप सभी के लिए एक और अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है एनपीसीएल नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ से। फाइनली यहां पे रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन के पद पे गाइस। इससे पहले एनपीसीएल काकरापार गुजरात साइट की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ था और ये जो रिक्रूटमेंट ये नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र की तरफ से है और ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा गाइस। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सभी मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा www.itieducation.com, देन आईटी सरकारी नौकरी के सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ से आप सभी इस नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे गाइस। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा जो कि टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए गाइस। आने वाले दिनों में जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वैकेंसी है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके ये सभी रिक्रूटमेंट निकल रही है गाइस। ये जो डिपार्टमेंट है मैंने पहले ही बताया, ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, दैट मीन्स परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे 13 दिसंबर से और लास्ट इसका डेट है फॉर्म भरने का ऑनलाइन 6 जनवरी 2023। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकाला गया है अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ पे मैं आईटी वालों की बात करूँ तो पोस्ट का नेम रहेगा स्टाइपेंडरी ट्रेनी बोल लीजिए, या टेक्नीशियन बोल लीजिए, या मेंटेनर बोल लीजिए, कोई भी बोल सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये टेक्नीशियन का आप सभी का पोस्ट है गाइज। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग का ट्रेनिंग रहता है, मैं अभी सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, नीचे में दिया गया है सारा चीज़ कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो पहले यहाँ पे सीट की संख्या की जान लीजिए। तो फीटर में गाइज यहाँ पे मैं टोटल बता देता हूँ, बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फीटर में टोटल 16 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 8 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेशन में आप लोग का यहाँ पे 8 पोस्ट है। तो ये आप लोग का हो गया नंबर ऑफ पोस्ट और कौन कौन से ट्रेड के बाद मैंने आप लोग को बता दिया हूँ गाइज। यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम 18 रहना चाहिए, मैक्सिमम 24 साल मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को मिल जाएगा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो मैंने पहले बताया कि ये 2 साल आप लोग को ट्रेनिंग होगा। फर्स्ट ईयर आप लोग को 10,500 रुपये पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड, देन सेकेंड ईयर आप लोग को 12,500 रुपये मिलेगा, देन आप लोग सक्सेसफुली आप लोग इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, देन आप लोग टेक्नीशियन में आप लोग चले जाइएगा टेक्नीशियन बी में। अगर टेक्नीशियन बी में जाएंगे तो आप लोग का यहाँ पे बेसिक पे 21,700 रहेगा, इसमें जितने भी अदर अलाउंसेस जोड़ करके 30+ आप लोगों को सैलरी मिल जाएगा, ठीक ठाक सैलरी है। बाकी यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा और नरोरा पावर स्टेशन में इससे पहले भी भर्ती आए थे, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को नौकरी मिली थी, बहुत अच्छा खासा फैसिलिटीज है। एज में छूट मैंने पहले ही बताया जो गवर्नमेंट का नियम है, आप सभी को उनके अनुसार छूट मिल जाएगा। आप सभी के सामने में यहाँ पे आप सभी एज में जो छूट आप लोग देख सकते हैं गाइज। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो गाइज यहां पे आप सभी का 10th पास रहना चाहिए और आप लोग का साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स में आप लोग का 50% मार्क रहना चाहिए अलग अलग दोनों विषय में। यहां पे आप सभी देख सकते हैं 10वीं लिखा गया है विज्ञान एवं गणित विषय में अलग अलग में 50% न्यूनतम अंक, यानी कि दोनों में आप लोग का 50% मार्क्स रहना चाहिए मैथ और साइंस में। और आप लोग का 2 साल का आईटीए पास रहना चाहिए, कौन सा ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में या इंस्ट्रूमेशन में, आप सभी का यहाँ पे आईटीआई पास रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिनका 1 साल का कोर्स है तो उनको 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, लेकिन जिनका 2 साल का कोर्स है उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन 2 साल का है, फिटर 2 साल का है, तो इन सबको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। बेसिकली आप लोग 10th पास है और आईटीआई पास है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि साइंस सब्जेक्ट और मैथ में आप लोग का 50% मार्क रहना चाहिए और आप लोग का इंग्लिश तो सब्जेक्ट 10th में होगा ही होगा, तो ये भी चीज़ रहना चाहिए। तो गाइज ये है आप सभी का जो आप लोग का क्वालिफिकेशन हो गया टेक्नीशियन का, ये आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन। उसके बाद इसमें गाइज एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है कि आप लोग को अगर इसमें ज्वाइन लीजिएगा तो उसमें आप लोग को बॉन्ड भी भरना होगा। तो बॉन्ड यहाँ पे 2,79,000 का बॉन्ड भरा जाएगा 5 सालों के लिए, डैट मीन्स आप अगर 5 सालों के भीतर आप लोग यहाँ पे छोड़ के नहीं जा पाएंगे, अगर जाएंगे भी तो यहाँ पे जो पेनल्टीज जो मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड है ये सभी आप लोग को देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन आप सभी को मैं बोलूँगा, ये चीज़ आप लोग रीड कर लीजिएगा गाइज। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि आप लोग का मिनिमम जो हाइट रहना चाहिए 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए और वेट 45.5 kgs रहना चाहिए। आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन, मैंने बताया कि 2 साल का यहाँ पे आप सभी का ट्रेनिंग होगा, डैट मीन्स 2 वर्ष या महीना में बोल लीजिएगा 24 महीना। मैंने पहले बताया 10,500 फर्स्ट ईयर और 12,500 सेकेंड ईयर मिलेगा। देन यहाँ पे मैं बॉन्ड वाली बात जो है बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आता तो मैंने ये बता दिया हूँ, ये आप लोग का बॉन्ड 2,79,000 का बॉन्ड भरवाया जाएगा। देन यहाँ पे मैं आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस की बताऊँ तो देखिए जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वैकेंसी आती है उसमें मैक्सिमम जगहों पे सेम पैटर्न रहता है, पहले आप लोग का प्रीलिमिनरी होगा, देन एडवांस होगा, देन आप लोग का स्किल टेस्ट होगा।
तो देखिए प्रीमली टेस्ट 1 घंटे का होगा जो आप लोग का स्टेज 1 होगा, और स्टेज 2 जो अभी डिमांड टेस्ट होगा 2 घंटे का होगा। तो जो पहला पेपर होगा प्रीमली जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। सही उत्तर के लिए 3 मार्क और गलत उत्तर के लिए 1 अंक आप लोग का काटा जाएगा। यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट लिस्ट सिर्फ आप लोग का एडवांस टेस्ट पर ही बनेगा। जो आप लोग का ट्रेड का क्वेश्चन रहेगा जी ट्रेड से फॉर्म फिल कीजिएगा उसी ट्रेड से क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 घंटे का समय मिलेगा, इसमें भी सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। और यहां पे 50 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग का जो ट्रेड का फॉर्म फिल कीजिएगा उसी ट्रेड का यहां पे क्वेश्चन आएगा गाइस। देन इसमें जो क्वालिफाइंग करेंगे उनका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये गो नो गो बेसिस के आधार पर होता है। बेसिकली NPCL का देखा गया है कि स्किल टेस्ट सिंपल ही रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, तो ये मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाइंग कर जाते हैं, तो ये आप लोग आसानी से पास कर पाएंगे। जो मेरिट लिस्ट बनेगा आप लोग का वो आप लोग का सिर्फ स्टेज 2 पे ही बनेगा, जो ट्रेड का क्वेश्चन रहेगा। बाद बाकी गाइस मैंने यहाँ पे सारा डिटेल आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बाद बाकी इसमें एग्जाम सेंटर के बारे में मैंने देखा हूँ ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन किया गया, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो आप लोग का नरावड़ा पावर स्टेशन में ही एग्ज़ाम लिया गया था, बुलंदशहर UP में ही, और अगले ही दिन मतलब कि इसका शायद स्किल टेस्ट भी हो गया था। तो ये है कि आप लोग बहुत सारे कहीं कमेंट पूछते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, तो PDF में इसमें नहीं मैंने देखा हूँ लेकिन नहीं बताया गया, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो नरावड़ा में ही लिया गया था, इनका प्लांट के अंदर में ही लिया गया था। तो गाइस आप सभी के लिए अच्छी खबर है, तो जो कैंडिडेट इन 3 ट्रेडों से बिलोंग करते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेशन, आप सभी के लिए अच्छी भर्ती है। तो ये था आप सभी के लिए वीडियो, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।